करेक्ट है ना? यस सर, यस टेन सर, यस फिफ्टी ठीक है। तो आप चार सिचुएशन समझ गए हैं। अब जो हम सिचुएशन करने जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही सिचुएशन होता है। चलिएगा शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। शुरू करते तो हैं, कहाँ दिख रहा है ना आपको ये? शुरू यस करें? सर, यस सर, चलो जी। सो गाइस, हम जो सीखने जा रहे हैं इसका नाम क्या है जी? स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग सीखने के लिए हमारे पास कौन सा टेंस है जी? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हमारे पास चार आइटम होते हैं, चार होते हैं। पहला क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, दूसरा इंडेफिनिट, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ये चार आइटम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पहला आइटम है ना, पास्ट इंडेफिनिट, सबसे खतरनाक और सबसे मेन आइटम है। यानी कि मैं बता दूं आपको कि जो पास्ट इंडेफिनिट, ऑडियो ऑफ कर लीजिए जिनका खराब आ रहा है, ये आपका रोज इस्तेमाल है। और कितने परसेंट इसका इस्तेमाल है जी? 100% इसका यूज है। तो पास्ट इंडेफिनिट तो आपको गलती से भी मिस नहीं करना है। पास्ट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल है, बट इसका 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन मान लो कि 60 से 70% इसका भी इस्तेमाल आप कर ही लेते हो रोज, 50 मान ले, 50% इसका इस्तेमाल हो जाता है। जो पास्ट परफेक्ट है, मैं तो कहता हूँ कि इसका इस्तेमाल 1% होता है। दो कर ले, थोड़ा सा इसको और हिम्मत दे देते हैं, 2% कर लेते हैं, ये ना के बराबर इस्तेमाल है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को 1% कर देता हूँ मैं, शायद ही कभी इस्तेमाल होता है। ये ऐसा कोई परसेंटेज किसी किताब में लिखा नहीं है, मेरे जो वीडियोस यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत सारे टीचर्स भी देखते सर, हैं। ये ओवरऑल टेंस में होता है सर। मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए, मैं कह रहा था कि जितने भी लोग यूट्यूब पे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब अंग्रेजी बोलते हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट का 100% आपका इस्तेमाल है स्टोरी टेलिंग के अंदर। ओवरऑल टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पास्ट की बात कर रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस, ये जो वाजवर वाला है ना, 50% तो जरूरत पड़ ही जाती है, रोज पड़ जाती है। मैं रोज इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ, इसकी जरूरत पड़ जाती है। मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ इंग्लिश में, आपने देखा होगा, ज़्यादातर इंग्लिश में ही होता है, तो उसमें आप देख लोगे। पास्ट परफेक्ट कभी कभी, मिस वो पास्ट परफेक्ट वाजबर में ही प्रॉब्लम कंटिन्यूस, होती है सर। ये सब कभी कभी। तो यार, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है? पहले वाले पे, पास्ट इंडेफिनिट पे। तो हम पास्ट इंडेफिनिट की क्लास अभी चलाएंगे, देखते हैं कितने दिन ये क्लास चलती है, क्योंकि सारी स्टोरी टेलिंग इसी के ऊपर ज़्यादातर है। शुरू करें जी? यस चलो सर, जी शुरू सर, करते। तो नाम यस इसका सर, पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन मुझे इसके नाम से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब क्या है जी? इसके फंक्शन से मतलब है। ये काम कौन सा करता है, हमें देखना है काम कौन सा करता है। एक मिनट, एक्चुअली कीबोर्ड मैंने ना ऐसा खरीदा है, ये कीबोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है कीबोर्ड? तो बड़ा छोटा कीबोर्ड है। यस यस सर, सर यस ब्लूटूथ सर, वाला है ब्लूटूथ, क्या सर? हाँ वही है। वायरलेस वाला होगा वहाँ सर। नोएडा में था तो डेस्कटॉप अच्छा खासा एकदम बेहतरीन वाला बनवाया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा काम चलाना पड़ नहीं सर, ये रहा भी सही है सर। आप पता है सर, आप है। और आपका सिस्टम स्मार्ट लग रहा है सर। लवली, शुक्रिया जी, शुक्रिया। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है दोस्तों? फंक्शन की अगर हम बात करें, मैं ऐसे कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ कि किसी सब्जेक्ट ने किसी पास्ट टाइम में जो भी एक्शन किया वो पास्ट इंडेफिनिट है। ये सिचुएशन है। चित्र के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कोई हिंदी पहचान नहीं चाहिए, कोई आ ई उ ऊ ये आवाजें नहीं निकालनी, ठीक है? आपको सिर्फ अंग्रेजों की तरह सोचना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर एक कुड़ी है, सिमरन की कहते हैं कुड़ी,
तो यार कुड़ी कुड़ी है, लड़की नु की कहते कुड़ी। कुंडी कुड़ी सो हेलो जी, एक कुड़ी है, मान लो अभी ये लड़की प्रेजेंट टाइम में खड़ी, ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, दिस इज आवर प्रेजेंट टाइम। इस लड़की के सामने आप खड़े हो, मान लो यहाँ अमन है, अमन खड़ा है, ये दोनों प्रेजेंट में बातें कर रहे हैं। अब ये लड़की अचानक कुछ बताने लगे उस बारे में, एक बीते हुए टाइम के बारे में जो इसने कुछ किया, मान लो कि बात हो रही यस्टरडे की, तो यस्टरडे एक हमारा पास्ट टाइम है, एक बीता हुआ टाइम है, यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट टाइम, यस्टरडे एक पास्ट टाइम है। ये जो लड़की है ये सब्जेक्ट है, हम दुनिया में जितने आइटम है जिसके बारे में हम बात करेंगे सब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और ये लड़की डूअर है, डूअर का मतलब है कि इस लड़की ने कुछ किया, यही करने वाली है, यही काम को अंजाम देने वाली लड़की है। तो इस डूअर ने किस किस एक्शन को परफॉर्म किया, तो इस लड़की ने कल मान लो कि चार काम किए किए किसी को अगर इसने कॉल किया तो कॉल किया, अगर इसने अपने कपड़े धोए तो धोए, डन कंप्लीट किया। तो देख लीजिए किसी सब्जेक्ट ने, जैसे लड़की सब्जेक्ट है, तो किसी सब्जेक्ट ने किसी पास टाइम में, जैसे कल परसों नरसों 4 साल पहले 2 साल पहले 2019 में 2020 में, कोई भी एक टाइम हो सकता है, उस टाइम में जो भी एक्शन किया, खाया पिया उठा बैठा मारा पटका तोड़ा मरोड़ा व्हाटएवर जो भी किया, वो सारा किस टेंस में जाना चाहिए बॉस, पास्ट इंडेफिनिट में जाना चाहिए। दिस इज अंग्रेजों वाला स्टाइल। आप अगर किसी की किताब पढ़ोगे ना, कुछ लोग किताब लिखते हैं तो आप पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने तो बहुत किताबें पढ़ी है, ऐसे लिखते हैं जिस वाक्य के अंत में आ, कुछ पढ़ा है कभी, ई कभी ए, कुछ ऐसा लिख देते हैं, किस किस ने पढ़ा है ये, पढ़ा है ना। अब इस कंबख्त आ ई ए ऊ जो जो आवाजें हैं इनके चक्कर में आप फंसोगे तो मर जाओगे, इसके चक्कर में नहीं जाना। एक ही सिस्टम है कि आप एक सब्जेक्ट हो भैया, आप एक सब्जेक्ट हो, आपने कुछ भी किया। अब आप किसी भी भाषा में सोचो, मैं तो कहता हूं जी आप कोई गूंगा हो बेचारा, कोई बोल नहीं सकता है, अब वो भी तो कुछ ना कुछ मन में सोचता होगा ना, कुछ भी उसने किया सब कुछ आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैं आपको बता दूं, मान लो कि मैंने यहां से एक क्या बोलते हैं कुशन बोलते हैं इसको, कुशन, कुशन इस कुशन को मैंने उठाया, इस कुशन को उठाया, ये उठाया ये भी हमारा सेकेंड फॉर्म है, ये भी कौन सा है पास्ट इंडेफिनिट, समझ में आ रहा है ये। अगर मैंने इस क्वेश्चन को यहां रख दिया पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने जो जो एक्शन किया, एक मिनट दरवाजा नॉक करा, आई एम जस्ट कमिंग। मैं कह रहा था कि मैंने जो जो, हाँ मैंने जो जो किया वो सब कुछ पास्ट इंडेफिनिट है, मेरे कहने का मतलब है। अगर मैं ऐसे आपको बोलूं कि यार आज मैं सुबह 6 बजे उठा यार, तो ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्यों, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट हूं और मैंने आज सुबह, मैं अभी शाम को बैठा हूं, ये अभी शाम है और मैं आज सुबह 6 बजे उठा, यानी कि सुबह मेरा पास्ट टाइम था कि नहीं था, अभी प्रेजेंट टाइम है, दिस इज माय प्रेजेंट टाइम, सुबह मेरा पास्ट टाइम था। अब सुबह मैंने, अगर मैंने 5 एक्शन परफॉर्म किए, पांचों काम मैंने किए, पूरे कर लिए पांचों काम, अब मैं कहानी जब सुनाऊंगा तो वो सब कुछ मेरा पास्ट इंडेफिनिट है, मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, सेकेंड फॉर्म, कुछ समझ में आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यार आज सुबह मैं 6 बजे उठा, ओके, मैं बोलूं कि यार मेरी सिस्टर ने मुझे चाय दी, तो मैं एक सब्जेक्ट हो गया और मेरी सिस्टर अलग सब्जेक्ट हो गई, तो मैंने काम किया उठने का और मेरी सिस्टर ने कौन सा काम किया, चाय देने का। तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट हो अगर उसने किसी एक्शन को परफॉर्म किया तो वर्ब कौन सा लगना है जी, सेकंड फॉर्म, यही पास्ट इंडेफिनिट है। अब आइए किताब पे चलते हैं, मतलब कॉपी पे चलते हैं, सर जैसे सर कुछ काम किया हो तो सर 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 एक बार और बोल दीजिए इस सेंटेंस को सर, दुनिया में कोई भी काम हो मतलब सेकंड को वाला। आते हैं ना, रुके ना, जरा कॉपी आवा ले आए, कहाँ गया हूँ, वर्ड पेज का पेजवा कहाँ गया, आ ये नहीं रहा है, एक मिनट, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। सर आपका लैपटॉप सर हैंग कर रहा है। एक तो मैं यार लैपटॉप पहली बार लैपटॉप पे क्लास ले रहा हूँ, मैं लेता नहीं हूँ ये सब, पता नहीं आप ही लोग कैसे स्टूडेंट लोग लैपटॉप सर, पता है सर लैपटॉप बहुत स्लो काम करता है कई बार सर, ऐसा होता है सर। आपको पता है कि वहां पे मेरा वाईफाई, यहाँ पे पता है एयरटेल का इंटरनेट, में मोबाइल से लेकर यूज कर रहा हूँ,
ये दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है क्या? सर आवाज तो अच्छा आ रहा है दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। अरे इसमें वो लिया है 251 रुपये में 50 GB आता है ना एयरटेल में, वो लिया है, टॉप अप नहीं होता है, वो लिया है तब सर। पोस्ट पर ले लेते इससे अच्छा, 75 GB मिलता। अब कुछ दिन चलाते रहते, कौन से यहाँ पूरा महीना रहना है, कुछ दिन के बाद। चलिए गाइस, देखिए मैं जो कह रहा था कि मान लो मैं 3-4 सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ। कम इन कम इन, पुश पुश द डोर, पुश द डोर। आई डोंट नो इट। ओके, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं सुबह, दिख रहा है ना स्क्रीन पक्का? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, साथ में। मैं सुबह 6 बजे उठा, ये मैं बोलूं, मैं बोलूं मेरी मेरी बहन, मेरी बहन ने मुझे मुझे एक कप चाय दी, दी या दिया, व्हाटएवर, हिंदी में भी प्रॉब्लम है। ओके, चाय दी। ओके, मैं बोलूं कि अचानक अचानक मेरी भांजी वहां आ गई। ओके, अब यहां पर देखो 3 सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। ये जो ये मैं है, ये मैं भैया, मैं हो गया, मतलब एक सब्जेक्ट आपका मैं हो गया। कलर गलत चुन लिया मैंने, अब सही है। मेरी बहन, दूसरा सब्जेक्ट कौन है? मेरी बहन, ठीक है। और तीसरा सब्जेक्ट कौन है जी? मेरी भांजी। तो 3 सब्जेक्ट्स मैंने आपको दिखा दिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसने जो भी किया वो सब कुछ पास्ट इंडेफिनिट है। किसी पास्ट टाइम का जिक्र आपको करना चाहिए। जैसे मैं सुबह, तो सुबह मतलब मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं चाहूं तो यहां पर आज लगा सकता हूं कि मैं आज सुबह, तो ये जो आज है ना, आज सुबह, ये मेरा पास्ट टाइम हो गया क्योंकि मैं शाम को बात कर रहा हूं सुबह के बारे में। तो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। पहचानना आ गया आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है। अगर आपको पहचानना आ गया हो, सर एक मिनट पहले काम हुआ सर, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हाँ जी, दसो जी, बोलो सर। एक्सक्यूज मी सर, आई एम तानिया राजपूत। या हाय तानिया, हाउ आर यू, वेयर आर यू, किधर हो? आई एम फाइन, आई एम फाइन, हाउ आर यू? या फाइन फाइन, ओके। तानिया बेटा, पास्ट इंडेफिनिट की क्लास चल रही है, ठीक है? ओके सर। तो आपको ना प्रेजेंट तो आपको आता ही होगा सर, मैं भी ज्वाइन हूँ। तभी तो आप बात कर रहे हो बेटा, तभी तो बात कर रहे हो आप मुझसे, आप ज्वाइन हो, ठीक है? यस सर। तो अभी ना जो भी क्लास में आप देखोगे, एक कॉपी ले लो, पापा को बोलो एक कॉपी दे दे आपको। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो? 14 years old। हाँ ठीक है, फिर मैं बेटा बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेटा आप एक कॉपी ले लो और उस पर लिखना, ठीक है? चलो अब आराम से देखो, अभी शुरू हुई है क्लास, देखो आराम से। चलो देखिए गाइस, तो इसके अंदर बहुत ध्यान से आप देखना है कि मैं एक चीज पे बहुत फोकस करूंगा। वो फोकस मैं किस चीज पे कर रहा हूं? पास्ट टाइम। इसमें पास्ट टाइम होना चाहिए। कोई भी, आप ऐसे भी कह सकते हो, पास्ट टाइम को आप कैसे कैसे दिखा सकते हो? एक तो सबसे बड़ा पास्ट टाइम है जो सबको पता है, वो कौन सा है जी? यस्टरडे, ठीक है, कल, मतलब यस्टरडे। अगर मुझे बोलना है परसों, तो कैसे होगा? डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ओके। अगर मुझे बोलना है पिछले हफ्ते, तब क्या होगा जी? प्रीवियस डे, लास्ट वीक, लास्ट वीक। इसी तरीके से पिछले महीने क्या हो जाएगा? लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। पिछले साल, लास्ट लास्ट ईयर। मैं बोलूं कुछ साल पहले, फ्यू इयर्स। यहाँ पर अगो, अगो का इस्तेमाल, अगो का इस्तेमाल, फ्यू इयर्स अगो, ओके फाइन। अगर ऐसा बोलना है कि 2010 से पहले, कैसे बोलोगे? बिफोर 2010। मुझे बोलना है, मुझे देखो हर चीज में पास्ट टाइम दिखाना है, तो पास्ट टाइम यानी कि पुराना जो टाइम हम दिखाएंगे वो किसके स्टाइल से दिखा सकते हैं? इतने सारे स्टाइल है। मुझे बोलना है यार आपकी शादी से पहले, मैं क्या बोलूंगा?
बिफोर योर मैरिज, बिफोर योर मैरिज, इस एक्सीडेंट से पहले कैसे हो जाएगा? बिफोर दिस, बिफोर दिस एक्सीडेंट। आपकी शादी के बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर योर, आफ्टर योर मैरिज, आफ्टर योर मैरिज। ठीक है जी, जैसे महिलाएं कहती है कि डिलीवरी के बाद, अगर उनको ऐसा बोलना है तो कैसे बोलेंगी? आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी से। ओके, तो इस तरीके से ना, आफ्टर, बिफोर, अगो, बैक, यस्टरडे, ऐसे करके आप कोई पुराना टाइम दिखा सकते हो। स्टोरी की किताब में देखोगे तो शायद ऐसा भी दिखाई दे सकता है, वंस अपॉन अ टाइम। देखा है कभी? वंस अपॉन अ टाइम क्या मतलब होता है सर इसका? एक समय पहले की बात है, एक बार, एक बार की बात, एक समय की बात है। पुराना टाइम आप ऐसे भी दिखा सकते हो, वंस। हाँ, पानी, पानी चाहिए था। ओपन 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 द डोर। अच्छा, इफ यू हैव ब्रॉट देन गिव इट। ओके, अगर ऐसा बोलना है एक बार तो वंस बोलेंगे। ओके फाइन, और कोई पास्ट टाइम? हम ऐसा भी कह सकते हैं लॉन्ग टाइम, हाँ ये भी कह सकते हैं, लॉन्ग टाइम अगो, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले। ओके, और क्या क्या हो सकता है? जब मतलब जब आप स्टोरी सुनाओगे ना, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एक टाइम बता देना है कि बंदा समझ जाए कि अच्छा घटना कब घटी। जो आप बताने जा रहे हो ना, 10 या 50 सेंटेंस आप बोलोगे तो पता चल जाए कि अच्छा ये जो 10 काम हुए ना, ये 10 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ, पता होना चाहिए। ओके, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एट द पार्टी, हम जैसे किसी लोकेशन को भी ऐसे दिखा सकते हैं ना कि एट द पार्टी इन 2010। मान लो किसी ने ऐसा बोला तो इसका मतलब क्या है कि 2010 में पार्टी में, समझ में आ रहा है, 2010 में कोई पार्टी हुई होगी, उस पार्टी में ऐसे ऐसे हुआ। तो ये आपका बीता हुआ समय बताने का तरीका है। आप लोग जितनी बातें करोगे उसमें शायद यस्टरडे वेस्टरडे ही ज्यादा होगा। हाँ, ऐसे भी कह सकते हो, स्टेट ऑफ बींग लगाकर टाइम दिखा सकते हो कि जब मैं क्लास 6 में थी, कैसे बोलोगे? When I was in class, I was in the in class 6th. In class. ये सब आपका पुराना टाइम बताने का स्टाइल है। आप ये भी कह सकते हो, तूने लगाएंगे in the class। अब द वो अभी छोड़ो, बाद में आर्टिकल देखेंगे, अभी लंबा लेक्चर नहीं। अब मुझे ऐसा बोलना है, टाइम देखो, मुझे ऐसा बोलना है कि यार जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना तब, ये भी तो टाइम है ना, ये भी तो एक मोमेंट है। कैसे बोलोगे? When he caught my hand, उसके बाद आप, मतलब ये भी एक टाइम हो गया। अगर आपको ऐसे बोलना है कि जब वो कार में था तब, ये भी एक टाइम है। When he was in the car, और देन करके आप पूरी घटना बता सकते हो। तो आप बताओ, टाइम बताने में कोई दिक्कत? When I was kid, कोई दिक्कत नहीं? तो अब ये बताओ कि जब मैं मोटी थी तब, कैसे होगा? सोचो, when I was fat, then fat बोल सकते हो। when I was, ये बताओ, जब मैं 16 साल का था तब, कैसे होगा? when I was 16 years old, when I was 16 years old, then, इस then का मतलब है तब। अब तब आपने मान लो 10 काम हुआ, वो 10ों को आप गिनवाओगे। ठीक है जी, आई थिंक इतना काफ़ी है, टाइम समझ में आ गया। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे आसान टेंस मुझे लगता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर मैं की बात है तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। हम की इंग्लिश हम, वी। तुम की इंग्लिश यू, यू। वे की इंग्लिश दे। तो आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल हैं इनके साथ He, she, it, ये जितने भी सिंगुलर हैं, ओके? ऑडियो ऑफ कर लीजिए जिनका प्रॉब्लम आ रहा है। या आप माई करके दिखाओ, माई फादर, माई, या योर फादर, योर मदर, आप ऐसे करके दिखाओ। पूरा सब्जेक्ट आज मैं दिखा देता हूँ आपको, हिज फादर, हिज मदर, हर फादर, हर मदर। आपको बोलना है देयर, देयर
sons, their daughters, okay? अगर आपको बोलना है our sons, our daughter, अगर बोलना है कुछ सोचो, ऐसे भी कह सकते हो my friend's father, ये सारे सब्जेक्ट हैं। जब आप बात करोगे ना जिसके बारे में, आपने बोला कि मेरा बॉस, तो आप कैसे बोलोगे my boss. और आपको बोलना है कि यार मेरे पड़ोसी का बेटा, उसकी घटना गिनवाओगे तो कैसे my neighbor's son. ऐसे बोलना पड़ेगा। अगर आपको बोलना है कि मेरे मेरे बेटे का स्कूल टीचर, तब कैसे बोलोगे my son's teacher. इस तरीके से। अगर आप मान लो बात करो कि मेरे बेटे का मोबाइल, अब क्या करोगे my son's mobile. आपको बोलना है कि यार इस कुर्सी का हैंडल, अब क्या करोगे the handle of this chair. ओके, इस बोतल का ढक्कन कैसे बोलोगे the cap of this bottle. ओके, ये लैपटॉप कैसे बोलोगे this laptop. मुझे बोलना है यार वो लड़की, कैसे बोलेंगे that girl. ओके, ये लड़के कैसे बोलेंगे these boys. वो लड़कियां those girls. यानी कि तमाम तरीके से हम सब्जेक्ट गिनवा सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। अब इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का आपने नाम ले लिया हो, इसलिए मैंने कहा दुनिया का कोई सब्जेक्ट हो, उन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमने क्या लगाना है जी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसके बाद जो बच गया वो क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। यही स्ट्रक्चर है। अब ध्यान देना, मैं आपको एक कहानी लिख के बता रहा हूं, इसमें सिर्फ सेकेंड फॉर्म होगा और एक पूरी कहानी होगी। देखिए, आप मेरा साथ दे सकते हैं, मैं कोई पानी नहीं ला रहा यार, हद है। ओके, अगर मैं ऐसे बोलूं कि आज सुबह मैं पार्क गया, तो मैं कैसे बोलूंगा बताइए। आज सुबह I went to the park today. आपको पता है आज सुबह को हम क्या कहते हैं? Today morning. कितनों को लगता है कि हम टुडे मॉर्निंग कहते हैं? I went to park in the morning. This morning. अगर आप आज से पहले टुडे मॉर्निंग कहते थे तो ये गलत है। क्या होगा? दिस मॉर्निंग। तो आज सुबह मैं पार्क गया। सर, I went to park. ओके, मैं बेंच पर बैठ गया। I sat on the bench. अचानक मेरा दोस्त आया। Suddenly my friend came there. वहाँ आया ना? हम दोनों ने बातें की। We both talked to each other. जिसका भी ऑडियो खराब है, अरुण कुमार, शायद आपका ऑडियो खराब है, ऑफ कर लीजिए ना, ऑफ कर। बात बोल नहीं रहे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भैया हम वाजवर नहीं सीख रहे हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट सीख रहे हैं। स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? पास्ट इंडेफिनिट में कोई वाजवर नहीं आता है, सिर्फ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म आता है। और इसकी हिंदी पहचान में ना जाओ। क्या कह रहे हो? दोनों का मतलब यहाँ इसमें दो लोग हो या हजार लोग हो, इसको वाजवर नहीं होगा यार, सेकंड फॉर्म होगा। क्यों नहीं समझ रहे? यू बोथ टॉक टू ईच अदर, हमने एक दूसरे से बातें की, ठीक है। उसके बाद मैं घर वापस आ गया। आफ्टर
that I can buy at my home. आने जाने में एट नहीं लगता है, याद रखना, घर में एट नहीं लगता। बोलो बोलो, क्या है, क्या पूछना है? आफ्टर मैरिज है ना सर, ये पास्ट में आता है ना? आफ्टर मैरिज मतलब पास्ट में आता है, ऐसा पूछ रहे हैं? पास्ट? ध्यान दीजिए कैसे, मैं समझ रहा हूँ आनंद को, ऐसा लग रहा है कि आफ्टर लगा दिया है तो फ्यूचर की बात है, ऐसा कुछ लग रहा है ना आनंद? हाँ तो बोलो सर, आए थे सोच में रहा। हाँ आए थे ना। अगर मैं अभी कहानी सुनाऊँ, मैं बोलूँ कि 2010 में ना सोहन की शादी हो गई, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगा सेकेंड फॉर्म में ना, कि सोहन गॉट मैरिड इन 2010। अब मैं बोलूँ कि शादी के बाद उसकी वाइफ ने उसको धो डाला, तो मैं क्या बोलूँगा? आफ्टर मैरिज। आप समझ में आ रहा है? आया समझ में? यस सर। आया ना, तो इस आफ्टर से मत सोचो फ्यूचर की बात। अगर हो गया तो अरे तो होगा तब ना आफ्टर लगेगा अगर भाई। आने वाला है तो, अरे बुड़बक लड़का, शादी के बाद है ना आफ्टर लगेगा, तो होगा तब ना आफ्टर लगेगा। आफ्टर मतलब बाद में होगा है? शादी होगी तभी ना आफ्टर होगा। आफ्टर डिलीवरी मतलब कि डिलीवर हो गया ना जो होना था, तभी तो आफ्टर डिलीवरी होगा। अगर कोई बोले कि आफ्टर डिलीवरी मैंने अपना एक्सरसाइज बंद कर दिया, तो कैसे इंग्लिश में बोलेगी वो महिला कि आफ्टर डिलीवरी आई स्टॉप्ड, सेकंड फॉर्म लगेगा ना, आई स्टॉप्ड माय एक्सरसाइज। तो टाइम क्या दिखाया? आफ्टर डिलीवरी। तो ये आफ्टर बिफोर सब चलेगा। डाउट खत्म हुआ? यस सर। ऐसा भी तो कहते हैं सर कि पहले आप तो उसमें लाते हैं। भाई देख मेरे भाई अमन, उसकी चर्चा करो जो अभी जरूरी है। ये पहले आप, पहले अभी आफ्टर यू की बात कर रहा हूँ मैं, आफ्टर की क्लास अभी नहीं ले रहा हूँ। प्लीज टॉक विच इज रिक्वायर्ड, डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग। मैं उसमें फंस करके टॉपिक छोड़ दूँ सर। एक कंफ्यूजन है सर। बोलिए। हेलो सर। बोलिए भाई, बोलिए। अरे बोलो भाई। आई हैव ईटन फूड। हेलो सर। सुन लिया, बोलिए बोलिए ना। जैसे सर आई हैव ईटन फूड और आई एट फूड, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता दीजिए। आपका नाम क्या है भाई साहब? ब्रजेश कुमार सिंह सर। आपने एडमिशन ले लिया है? एडमिशन ले लिया? हाँ सर। ठीक है, तो आप जो मैं अंतर एक बार समझा रहा जी था। जी सर, 28। आप नहीं थे जब मैं अंतर समझा रहा था, आपने 28 को एडमिशन लिया है, याद है ना? मैं एक बार हैव पढ़ा रहा था आपको प्रेजेंट परफेक्ट, आप नहीं थे। हाँ सर। देखिए नहीं सर, जैसे लग रहा है कि दोनों सर पास्ट में ही घटित हुआ है, इसलिए सर पूछे। उस आनंद कुमार ने नहीं कहा था कि प्रभाव प्रेजेंट तक है, याद है वो दिन? है आनंद, तुम्हें ना बोला था प्रभाव अब तक है। जी सर। तो आई हैव ईटन फूड और आई, हाँ सर प्रभाव है ना, आई हैव ईटन फूड में, वही ना प्रभाव है। मैंने उस दिन कहा था कि गाइस हम स्पोकन इंग्लिश में, याद है कि मैंने कहा था कि हम दोनों बोल सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन अगर काम आपने कंप्लीट कर लिया है, ऑडियो ऑफ कर लो यार, तो ज्यादातर आपको क्या बोलना है? प्रेजेंट परफेक्ट बोलना है, ये आपको बोलना है। मान लो कि यहाँ पर एक लड़की है और ये लड़की, इसने खाना खा लिया, अभी किसी को कह रही कि मैंने यार खाना खा लिया। अभी किसी भी भाषा में सोचे, अंग्रेजी में सबसे ज्यादा इसको क्या बोलना चाहिए था? आई हैव ईटन फूड। ये कंप्लीशन को दिखाता है कि हाँ जी मेरा ये जो काम पेंडिंग था वो डन हो गया है। ये अगर बोलती कि आई एट फूड तो कोई काटेगा नहीं, बट सबसे पहला प्रेफरेंस इसको जाता है। ये दोनों चल सकता है स्पोकन में, इसीलिए ये प्रेजेंट है और पास्ट है। ओके सर। इसका अंतर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, हम अंतर भी करेंगे आज। एक बार पास्ट मुझे ये कराने दो जरा। फाइन गैस, तो अब आपने जो स्टोरी देखी, ये स्टोरी देख लीजिए, इसमें आपको सेकेंड फॉर्म दिखाई दे रहा है ना हर जगह? पहला सेकेंड फॉर्म कौन सा है? वेंट है, ठीक है। दूसरा सेकेंड फॉर्म ये सेट है, सेट। तीसरा सेकेंड फॉर्म केम है, केम, ठीक है जी। उसके बाद है टॉक्ड, फिर टॉक्ड, टॉक्ड, उसके बाद है केम बैक, ये केम है, केम, केम, केम है।
तो सिर्फ सेकेंड फॉर्म हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहां ये जो आई नाम का बंदा है ना, यही हमारा सब्जेक्ट है ना आई, तो इस आई ने वन टू बहुत सारे काम किए। आई बाजार गया, आई ही कुर्सी पर बैठा, और ये आने का काम किसने किया, फ्रेंड ने किया, तो ये फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट है। ओके, यहां पर दोनों मिलकर बातें की, ये दोनों सब्जेक्ट है। तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट हो, फॉर्म कौन सा लगेगा, सेकेंड फॉर्म। क्लियर है? सेकेंड फॉर्म जी, चाहे वो कोई हो, राम हो, सोहन हो, कोई हो। अब एक छोटी सी कहानी और, क्योंकि हम स्टोरी टेलिंग सीख रहे हैं। आप बताइए, अगर मैं कहता हूं कि कल शाम को किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया, मैं कैसे बोलूं कल शाम? कल शाम मतलब यस्टरडे, किसी ने माई डोर, मैंने दरवाजा खोला, आई ओपन द डोर, आई ओपन द डोर। ओके, मैंने अपने दोस्त को देखा, आई सॉ माई फ्रेंड एट द डोर, दरवाजे पर। ओके, मैंने उसको अंदर बुलाया, आई कैसे होगा, आई कॉल्ड हिम इनसाइड, आई कॉल्ड हिम इनसाइड, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आई आस्क्ड हिम टू कम, मैंने उसको आने के लिए कहा, I asked him to come inside. वो अंदर आया, he came inside. Inside. Okay. वह सोफे पर बैठ गया, he sat on the couch. मैं किचन में गया, I went into the kitchen. मैंने चाय बनाई, I मैंने उसे चाय दी, आई उसने चाय पी, ही टुक ड्रिंक, भी कह सकते हैं टुक, भी कह सकते हैं ही टुक टी, हम दोनों ने बातें की, वी बोथ, बट सर ड्रैंक बोलो भाई, ड्रैंक वाले बोलो, क्या पूछ रहे हो सर? अगर लिखते हैं आई ड्रैंक टी, मींस लगता है कि अल्कोहल लिया है, तब देन वी यूज द ड्रैंक ना सर। अमेरिका में लोग चाय के लिए भी ड्रिंक लगाते हैं, इंडिया में मैं देखता हूँ लोग टेक नहीं तो हैव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हैड टी बोल देंगे, नहीं तो आई टुक टी बोलेंगे, अमेरिका में ड्रिंक भी चलता है। ओके, चलिए, वी बोथ टॉक्ड, हम दोनों ने बातें की एक दूसरे के साथ, टू ईच अदर। उसके बाद वो चला गया, आफ्टर ही वेंट आउट। अच्छा, जैसे हमें पता नहीं कहाँ गया तो हम अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, अवे, अपनी तरफ से, क्योंकि हमें पता नहीं, अगर पता होता कि दुकान गया तो वेंट टू शॉप कर देते, went to shopping mall कर देते, यहाँ नहीं पता तो अवे, he went away, वो चला गया। अवे का मतलब क्या होता है? दूर, कहीं दूर, पता नहीं, कहीं दूर चला गया, अवे मतलब दूर। ये कहा जाता है अंग्रेजी में, ये नियम है कि वेंट के साथ नहीं कुछ है तो एक तो लगा दो अपनी तरफ से अवे। अब बताओ जी, सेकेंड फॉर्म की कहानी कुछ समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। ये क्या, ये अ ई उ करने की जरूरत है? नहीं ना, आ ई की जरूरत है, कोई आ ही नहीं चाहिए, वो डिस्कस्टिंग है सर। यस, ठीक है जी, अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म कराया है, अब आप लोगों ने स्टेट ऑफ बीइंग सीखा हुआ है ना, याद है ना स्टेट ऑफ बीइंग? यस सर। अब हम क्या करेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग को इसमें जोड़ करके देखते हैं, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग याद है ना, उसको जोड़ते हैं। यस सर। देखिए फिर स्टोरी का मजा, अगर ये कोई ट्रांसलेशन की क्लास नहीं है, अगर ट्रांसलेशन की क्लास होती ना तो मैं आपको बोलता कि बनाओ बेटा, बनाओ ट्रांसलेशन, तो ये वो क्लास नहीं, ये स्पोकन इंग्लिश है, इसलिए यहाँ पर जुबानी काम होगा। चलो जी,
फाइन, सांस की प्रॉब्लम आती है सर। ओके एक्सक्यूज मी, अब मैं इसमें स्टेट ऑफ बीइंग लगा रहा हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग कौन सा स्टेट ऑफ बीइंग है जी? पास्ट का। ओके पास्ट, पास्ट का। और उसके साथ हम कहानी को सेकंड फॉर्म के साथ जोड़ेंगे। देखते हैं, बनाते हैं, शेफ बन जाते हैं, खाना बनाते हैं। मुझे बोलना है कि यार कल शाम मैं कमरे में थी, अब क्या होगा? कल शाम तो कल शाम मैं कमरे विच सी है सिमरन, कैसे बोलेंगे? ओके कल शाम मैं कमरे सी, वाह। तो यस्टरडे इवनिंग आई वॉज इन द रूम, हो गया हमारा ये स्टेट ऑफ बींग। अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। अचानक सडनली मेरी माँ ने दरवाजा खटखटाया। माय मदर नॉक द डोर। ओके मैंने दरवाजा खोला। आई ओपन द डोर। मेरी माँ ने मुझे एक कप कॉफी दिया या दी, व्हाट एवर द हिंदी। माय मदर गिव मी अ कप ऑफ टी। कप ऑफ टी। ओके अब ध्यान देना जरा। आप लोगों को एक चीज पता है कि जो एक वर्ड होता है आफ्टर, आफ्टर के बाद हमें अलाउड है कि हम वर्ब में आई एन जी लगा सकते हैं, पता है ना? Yes, sir. हम आफ्टर के बाद हम ऐसा कर सकते हैं ना, खाने के बाद, तो हम कैसे बोलेंगे? आफ्टर eating. अगर मुझे बोलना है टहलने के बाद तो क्या कह सकते हैं? आफ्टर वॉकिंग बोल सकते हैं ना। तो अब मुझे उसमें वही जोड़ना है कि कॉफी लेने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया, अब मैं कैसे बोलूं? After taking the cup of coffee. Okay? Coffee. I cup of tea. Close the I closed the door. I closed the door. ठीक है? Okay. फिर मैंने कॉफी पी। फिर Then I took coffee. took भी कह सकते हैं। आपको पता है ना, have मतलब भी पीना होता है। I had coffee. तो second form क्या हो जाएगा? Had. Yes sir. Had. I had. I had coffee. I had coffee. Sir, आप cup of coffee नहीं बोलेंगे? बोल दो, क्या दिक्कत? ठीक है जी, समझ में आ रहा है second form? अब मुझे आप में से कोई एक चाहिए जो इतनी कोशिश करे कि सिर्फ सेकेंड फॉर्म और स्टेट ऑफ बीइंग का सहारा लेकर एक छोटी कहानी बोलकर दिखाए जिसमें कुछ और नहीं आना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। कोई एक कोई भी एक एनीबॉडी घर में उठो, फ्रेश हो, खाना पीना खाओ, पार्क चले जाओ, कुछ करो जिसमें सेकेंड फॉर्म भरपूर हो। सोचो जी, सोचो सोचो। जब तक आप दो मिनट आप एक दूसरे को सुनाइए, मैं जरा पानी का एक बॉटल लेके आता हूँ। यहाँ ना कोई है नहीं चारों तरफ, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। I'm just coming. Yes guys, I'm back. शुरू करें।
चलो जी, गो एट गो एट। Can I try, sir? Yeah, try. Manju, bolia. Yesterday evening, I went to the market. Mm-hmm. After that, I started purchasing vegetable. Mm-hmm. After purchasing vegetable, I went to shopping mall. Mm-hmm. I went to the shopping mall. I purchased some cloth. Mm-hmm. After that, I went to my friend house. Friends. I knocked the door. My friend's house. Ha, friend's house. Yeah, yeah. Okay. I went to the my friend's house. Hmm. Then I knocked the door. My friend came there, and he opened the door. Hmm. Then we talked to each other, hmm. and we went to the juice corner. After reaching juice corner, we ordered two mango juice. Hmm. After that, we took juice. After having juice, my friend went away, and I came back to my home. Amazing, superb. ऐसे बच्चे चाहिए मुझे, तो एकदम बेहतरीन समझे और बेहतरीन बोले, कोई गलती नहीं थी इसके अंदर. बहुत अच्छा. ओके, ओपी शर्मा जी, कोमल सर, ऑडियो में प्रॉब्लम है जी. यस सर, खुश तो करो यार, आप लोग इतना अपना समय पैसा सब दे रहे हो और एक ऑडियो सही नहीं कर सकते. चलिए गाइस, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं और लोगों को चांस दूंगा. आप में से कई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं इंग्लिश, मैं समझ सकता हूँ, तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे. कैसे देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम वही पुरानी चीजों को लगाना शुरू करते हैं. आपको याद है ना, स्टार्ट याद है? यस सर. तो अब स्टार्ट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा जी? स्टार्टेड हो जाएगा. स्टार्टेड. अब स्टार्टेड में, स्टार्टेड में हमें क्या लगा देना है जी? जेरंड. क्या होता है जेरंड? जेरंड वर्ब में तो अब अगर हमारा जो रूल होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी. और इस वर्ब का भी बेचारे का अपना ऑब्जेक्ट होगा. याद है ना, एक दिन में कह रहा था कि अंदर से तो कृष्णा ही है, याद है? फाइन. तो अगर मैं बोलूं, मैं दो सेंटेंसेस बोलना चाहता हूँ कि यार मैं पार्क गया, पहला सेंटेंस, तो बताओ ये किस फॉर्म में होगा? आई, सोचो. वेंट टू द पार्क. आई वेंट टू द पार्क. मैं पार्क गया, क्योंकि ये मैं सब्जेक्ट हूँ, मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया जी, टक, पार्क जाने का. अब मुझे कुछ ऐसा बोलना है कि वहां मैं दौड़ने लगा, यानी कि मैं दौड़ने का प्रोसेस चालू कर दिया. अब क्या होगा? I went to park. I started running. हाँ, I started running there. मैं वहाँ पर दौड़ने लगा. अब इसकी हिंदी जो, अंग्रेजों को ये मतलब नहीं. आप लोग पता है, आप लोग हिंदी में कैसे सोचते हो? आप में से कई लोग ऐसे रट लेते हैं. अच्छा, लगा, लगी, लगे, अपने आप फैसला कर लेते हो ना, बड़ा अच्छा आप लोग बना लेते हो. लगा, लगी, लगे आएगा तो मैं तो स्टार्टेड लगाऊंगा. अरे ऐसा कुछ नहीं है, लगा, लगी, लगी से कोई मतलब नहीं है. सर, बोलिए सर, इसमें आई स्टार्टेड रन नहीं हो सकता है ना, रनिंग ही होगा. इसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण है. कारण पता है क्या है? देखो जी, आई स्टार्टेड का इतना का मतलब है कि मैंने शुरू कर दिया. ये तो क्लियर है ना? आई स्टार्टेड का मतलब क्या है कि मैंने yes, sir. शुरू कर दिया. अब मैंने क्या शुरू कर दिया? कोई चीज हमें चाहिए ना, कोई नाउन चाहिए. I started running. हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए. मैंने कोई चीज शुरू कर दिया, तो जितना भी प्रोसेस होता है ना, जैसे खाना बनाने का प्रोसेस है, तो उसको हम जेरंड में बोलेंगे तब आएगा ना मजा. कुकिंग, कुकिंग का मतलब खाना बनाना, यानी कि उस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. तो मुझे वो एक्टिविटी लगानी है कि आई स्टार्टेड व्हाट. आई स्टार्टेड, हमें ना, मैं आपको ग्रामर की भाषा में समझाता हूँ, इनको ग्रामर की भाषा में समझाता हूँ. ऑडियो ऑफ कर लीजिए.
आज हो ही जाए। ग्रामर की भाषा में ये आई, यस सर आज बता ही दीजिए। आज तो दूध का दूध होगा जी। ग्रामर की भाषा में हम आई को क्या कहते हैं? सर मुझे लग रहा आप राजा विक्रमा तो। आपको पता है ये सब्जेक्ट है और ये स्टार्टेड क्या है? वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया। वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट आईएनजी वाला। हाँ, और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है पूरे ग्रामर में? ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको है? ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार या तो नाउन को है, नाउन को, या नाउन के जगह पे, नाउन के जगह पे क्या आता है? प्रोनाउन। यानी कि कुल मिलाकर के नाउन को है। नाउन के जगह पे प्रोनाउन आता है, बट है तो नाउन है ना भाई, नाउन के जगह पे ना आएगा। अब नाउन क्या होता है? अगर मैं कहता हूं कि मैंने कार स्टार्ट किया तो मैं क्या लगा दूंगा? आई स्टार्टेड व्हाट? आई स्टार्टेड कार। कार क्या है? एक नाउन है। आई स्टार्टेड कार, आई स्टार्टेड माई कार, मैंने अपनी अपनी गड्डी स्टार्ट कर दी जी, आई स्टार्टेड माई कार। ओके, अगर मैं बोलूं कि मैंने ना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया, तो कॉन्वर्सेशन एक नाउन है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई स्टार्टेड कॉन्वर्सेशन, आई स्टार्टेड कॉन्वर्सेशन। अब आप कहोगे इसमें, अब आप कहोगे इसमें आई एन जी क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि भैया ये नाउन है, हमें तो नाउन चाहिए ना, हमें स्टार्टेड के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो नाउन होगा। क्लियर है ना? इतना तो समझ में आ रहा है ना? तो आई स्टार्टेड कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन एक नाउन yes, है, ठीक है ना? फाइन। अब मुझे कुछ ऐसा नाउन बोलना है जिसमें क्रिया होता हुआ दिखे, जैसे कि मैं उसे उसके बाल नोचने लगा, मैं उसे थप्पड़ मारने लगा। अब ये थप्पड़ मारना ये तो वर्ब है ना, लेकिन हमें इस वर्ब को नाउन में बदल देना है। तो वर्ब को जब नाउन में बदलोगे तो वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। I started beating. आईएनजी। हाँ, आईएनजी लगाते क्या बन गया? अब नाउन बन गया, क्योंकि यहां पर स्टार्टेड के बाद वर्ब की जरूरत नहीं है। किसकी रिक्वायरमेंट है? नाउन की रिक्वायरमेंट है, हमें नाउन चाहिए। नाउन के अब नाउन चाहिए, लेकिन अब मुझे मेरे मन में एक्शन की फीलिंग आ रही है, तो मुझे एक्शन को नाउन का पजामा चोला पहनाना पड़ेगा। वो अंदर से बेचारा एक्शन ही है, ऊपर से हमने उसको क्या साबित कर दिया? नाउन। कि भाई जा तू यहां पर रह, पर अंदर से तू काम वही करेगा, तू एक्शन वाले काम करेगा। तू ग्रामर को धोखा दे, उसको नाउन चाहिए, तू नाउन का ड्रेस पहन वहां पहुंच जा, लेकिन अंदर से बेटा तू वही है। अब समझ में आ रहा है? तो ये जो वर्ब आई एन जी है, ये है वर्ब, काम किसका कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए स्टार्टेड के बाद आईएनजी लगाना पड़ा। ये अंदर की बात है, ये ग्रामर है, ये बोरिंग वाली क्लास होती है, इसलिए मैं इस तरह से नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन आपने पूछा है तो बताना जरूरी था। खैर गाइस, चलिए, कोई नहीं सर, आप पढ़ाते तो भी अच्छा लगता है। अब मुझे बोलना है कि मैं अपने दोस्तों से बातें करने लगा, मैं क्या बोलूंगा? आई स्टार्टेड टॉकिंग विथ माय, टॉकिंग के साथ टू ज्यादा अच्छा, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स। ओके, हम चाय पीने लगे, हम चाय पीने लगे, वर्ब ही ना, लेकिन हाँ वर्ब ही ना है भाई, हम चाय पीने लगे। वी स्टार्टेड टेकिंग टी। आई स्टार्टेड टेकिंग टी। हम पीने लगे। ओके, मैं उसे डांटने लगा। आई स्टार्टेड स्कॉल्डिंग आईएनजी। I started scolding him. I started scolded. Scolding, ing में कह रहा हूँ, आप scolded कह रहे हो, आप क्यों ऐसा कह रहे हो? I started scolding, भाई साहब आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? Scolded कब होगा? ऐसे होगा, देख लीजिए, मैंने उसे डांटा। इसको माने I scolded starting him कहने का। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, I scolded him का मतलब है कि मैंने उसे डांटा, खत्म, बात खत्म। और I started scolding का मतलब है कि डांटने का प्रोसेस मैंने चालू कर दिया, अब पता नहीं कब खत्म किया, बट मैंने चालू कर दिया। स्टार्ट मतलब चालू करना होता है ना, तो मैंने चालू किया। मैंने क्या चालू किया? डांटने का एक्टिविटी, प्रोसेस, आईएनजी में दिखा। स्कॉल्डिंग, आई स्टार्टेड स्कॉल्डिंग। मान लो कि मैं उसे पीटने लगा, यानी कि मैंने पीटना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड बीटिंग। आई स्टार्टेड बीटिंग यू। हां, बीटिंग, हां, यू जस्ट स्टार्टेड बीटिंग यू। बोलिए सर, ऐसे बोल सकता हूं? आई जस्ट स्टार्टेड बीटिंग। हां, बोल सकते हैं। नो सर, यू तो नहीं है बोलेंगे। अब मैं इसको स्टोरी में आपको बताता हूँ कैसे होगा। अगर आपको बोलना है कि स्टेट ऑफ बीइंग में, मंजू आर यू देयर? मंजू आर यू देयर? यस सर, यस। मैं हिंदी बोलता हूँ, आप जरा कन्वर्ट करना। मैं अपने कमरे में थी, बोलो। ओके सर,
मैं अपने कमरे में थी. I was in my room. Okay. अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया. सोचो. बोलो. Suddenly someone knocked the door. Someone knocked the door. Knocked the door. Knock. Knock the door. क्या हो गया? Somebody बोल सकते हैं सर. बोल सकते हैं यार. अबे knock की spelling को क्या हो गया? Knocked the door. Okay. मैंने दरवाजा खोला. I opened the door. दरवाजे पर मेरा दोस्त था. अब बताओ. There was my friend standing at my door. ठीक है, आप देयर से भी बना सकते हो आराम से कि there was my friend at the door. स्टैंडिंग भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा. देयर वॉज माई फ्रेंड एट द डोर. ठीक है, मैंने अपने दोस्त को अंदर आने के लिए कहा. सिमरन, जो सबसे बेहतरीन इंग्लिश है वो आस्क्ड वाली है. आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू कम इनसाइड. कम इनसाइड. अंदर आने को जो कहा. यह आस्क का मतलब पूछना नहीं है, ये कहना है. यह आस्क का मतलब है. मैंने अंदर आने को कहा. ओके. वो अंदर आया. He came inside. मैंने उसे कुर्सी पे बैठने को नहीं कहा. अब बताओ. मंजू. I didn't ask him. जिसको didn't नहीं पता वैसे भी कह सकता है. आई आस्क्ड हिम नॉट टू सिट ऑन द चेयर. मैंने उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा. आई आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द सोफा. सिट ऑन द काउच. ओके. मैं किचन में गई. I went into the kitchen. और चाय बनाने लगी. And started making tea. हम दोनों साथ में चाय पीने लगे. We both started taking tea together. कहानी बनकर तैयार हो गई. देखा, अब बताओ इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको नहीं सिखाया होगा. आई वॉज इन माई रूम. स्टेट ऑफ बींग. स्टेट ऑफ बींग है कि नहीं, पास्ट का स्टेट ऑफ बींग. ओके. और आज आपने सेकेंड फॉर्म सीखा. हेलो जी, टोटल सेकेंड फॉर्म. नॉक्ड सेकेंड फॉर्म है जी. ओपन्ड सेकेंड फॉर्म है. देयर वॉज माई फ्रेंड, ये आपका देयर का इस्तेमाल है. स्टेट ऑफ बींग याद है ना, पास्ट वाला वो है. आस्क्ड सेकेंड फॉर्म है. डिडंट अभी मैंने नहीं सिखाया, सिखा दूंगा. बाकी आस्क्ड है, या वेंट सेकंड फॉर्म है, और स्टार्टेड अभी सीख लिया. सब कुछ सीखा हुआ है. हमें ना इसको मिलाकर स्टोरी बनाना सीखना है. अब एक और आइटम पता है स्टार्टेड के बाद में क्या सिखाऊंगा आपको पता ही है. कीप्ट ऑन. तो कीप का सेकंड फॉर्म कैप्ट हो जाएगा. कैप्ट ऑन लगा दो. स्ट्रक्चर आपका अच्छा. इसका मतलब क्या होता है कि कोई काम कंटिन्यू रहा. हिंदी में क्या बोलते हैं, जारी रहा ऐसा कुछ. देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद आपको लगाना है कैप्ट ऑन, और इसके बाद कैप्ट ऑन जो वर्ब है उस वर्ब में क्या लगेगा जी. आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अगर मुझे बोलना है कि मैं पूरे दिन खाना बनाती रही, मतलब मेरा खाना बनाना कंटिन्यू रहा, चलता रहा. I kept on cooking all day. तो इसकी हिंदी अगर आप देखिए सर, कुकिंग बताते हैं ना, रुकिए ना. आई क्या है, सब्जेक्ट है. kept का मतलब, kept का मतलब ये है. kept को आप दूसरे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंटिन्यू. कंटिन्यूड.
तो आई केप्ट का मतलब है कि मैंने जारी रखा, कंटिन्यूड रखा, जारी रखा. क्या चीज जारी रखा? कुकिंग, खाना पकाने का जो प्रोसेस को कंटिन्यू रखा. कुकिंग फूड, कुकिंग फूड. कब तक रखा? पूरे दिन रखा. कई लोग ऑन लगाते हैं, कई लोग ऑन नहीं लगाते. ऑल द डे. हाँ, तो ये ग्रामर, ये दोनों अलाउड है. आप चाहो तो ऑन नहीं भी लगा सकते. आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई केप्ट कुकिंग. और आजकल तो लोग ऑन नहीं ही लगाते हैं, बट जिसकी जुबान पे जो बैठ गया है तो आप ऐसे बोल सकते हो. अब बताओ, अगर ऐसा बोलना है कि यार वो दो घंटे तक तो रोती रही भाई, कैसे बोलोगे? शी केप्ट ऑन, शी केप्ट ऑन क्राइंग फॉर 2 आवर्स. फॉर 2 आवर्स. अब मान लो कि इसके पीछे की मुझे पूरी कहानी बोलनी है. सपोज पूरी कहानी बोलनी है. अगर मैं बोलूं कि कल मैं अपने अपने ड्राइंग रूम में था, मैं कैसे बोलूंगा? आई वॉज इन माई, आई वॉज इन माई ड्राइंग रूम. ओके, मेरी बेटी ड्राइंग रूम में आ गई. माई डॉटर सबका ड्राइंग रूम है, मेरा कोई स्पेशल नहीं. तो केम टू द ड्राइंग रूम. वो मेरे लैपटॉप को टच करने लगी. शी टचिंग माई लैपटॉप. मुझे जी गुस्सा आ गया जी. आई गॉट एंग्री. और मैंने उसे डांट दिया. एंड आई वो रोने लगी. शी और दो घंटे तक रोती रही. छोटी कहानी आपके सामने पेश खिदमत है. समझ सर, लेकिन मजा आ रहा है, खुशी हो रहा है अलग सा ही एकदम. मैं गाइस, जो लोग मेरे हिसाब से सीखेंगे, जो चलेंगे, आई गारंटी, आई कैन वाउच दैट आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी. रियली जो इनने उनने घुमाता है ना, कई बार ऐसा होता है. मैं आज से सर मैंने ना घुमाता हूँ, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, रुकिए ना. तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्लास नहीं लेता हूँ. मैं यूट्यूब पे कभी नहीं कहता हूँ कि गाइज मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, आइए पढ़िए. मैं आपको पता है मैं कब से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ? 2004 से. शायद सबको पता ही चल गया होगा. तो ऑफलाइन सर, मैं तो शुरू से ही आपको फॉलो कर रहा हूं. तो ऑफलाइन क्लासेस सर, मैं ये सोचता हूं आप थे कहां इतने दिन से. तो बताते हैं, ऑफलाइन क्लास में पहले क्या होता था कि आज से कई साल पहले सोचो 2004-5 में मैं कैसा रहा हूं, एकदम पतला दुबला, लंबे बाल, ये वो अजीब सा था मैं. तो सर एकदम मस्त था. यस सर. तो किसी को लगता नहीं था कि टीचर है. तो लोग आते थे और पहले ऐसे मजे लेते थे, दुनिया भर का सवाल लेकर आते थे. ये भी पूछा, ये भी पूछा, ये भी पूछा. तो अब मुझे आदत सी हो गई है. तो पढ़ने नहीं आते थे, सवाल पूछ के अपने आप को कि अच्छा इसको आता है कि नहीं आता, टेस्ट करके देखते. तो अगर कोई इस नियत से आता है तो क्या सीखेगा? वो बस वो चार जगह जाएगा, वो यही करता रहेगा, वो सीखेगा नहीं. सीखने वाले अलग ही लोग होते हैं, आपको बता रहा हूँ. उनको चाहिए भाई, वो इतनी हार्डवर्क करते हैं. ऑफलाइन क्लास भी लेना चाहता हूँ आपसे सर. देखो कभी चांस आए, पता नहीं कब. चलिए मैं सर कोचिंग का पता बता दीजिए खाली, मैं तो पहुंच ही जाऊं. आप अभी भी ऑफलाइन क्लास लेते हो सर? नहीं, अब तो ऑफलाइन बंद हो गया जी. ये जो फर्स्ट लॉकडाउन था ना सर, आपने छोड़ दिया ना जान के एक तरीके से. हाँ, आई वाज जस्ट सर. बहुत अच्छा किया आपने. सर आपके पास अब टाइम ही नहीं है. सर आपके पास अब टाइम ही नहीं है. यस सर, लेकिन नाउ यू आर ठीक है सर. यस यस सर. हां जी सर, पता है सर, लेकिन हम लोग से कभी कभी मिलने का टाइम निकालिए साल में एक बार. ठीक है, एड्रेस सर. एक डाउट पूछता दूंगा. पूछिए पूछिए, डाउट पूछिए पूछिए पूछिए. तुम किसके पास गए? तुम्हारे पास कौन आया? क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दे. यार इस कीबोर्ड से ना मुझे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लग रहा है. कहाँ गया क्वेश्चन मार्क? सर ये है ना लैपटॉप का कारण हो रहा है सर. यस यस यस. और क्या था, तुम किसके पास गए? नहीं नहीं, क्या था, तुम्हारे पास कौन आया? Whom did you go sir? तुम्हारे पास कौन आया? कौन कौन को गाउन हो गया? कौन आया? हाय, किसके पास गए? यानी कि जिसके पास गए. Whom did you go? Whom did you go? वो रिसीवर है, वो रिसीव करेगा आपको. यानी कि whom did you go? करेक्ट है. Whom did you go? Whom did you go? करेक्ट है जी. तुम्हारे पास कौन आया, मतलब आने वाला
कोई सब्जेक्ट है तो who came to you? Who came to you? Who वाले में ना past indefinite में did नहीं लगता, अभी मैं सिखाऊंगा। comes नहीं है ये, come आएगा। comes तो तब आएगा ना कि तुम्हारे पास कौन आता है, routine में, routine में comes हो जाएगा। Okay. सर क्या बोल रहे थे who वाले में सर वो past क्या बोल रहे थे? Who वाले में वो सवाल में did नहीं आता ना, मैं कराऊंगा अभी। Who वाले में नहीं आता। जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं रूटीन में बोलूँ कि अच्छा यार तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो ऐसा होता है ना who teaches you, who teaches you। वैसे ही मैं बोलूँ अच्छा यार तुम्हें कल किसने पढ़ाया, तो who taught you, वो भी सिखाएंगे। Fantastic। चलो जी एक और छोटी कहानी। सर एक और था। पूछो 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 पूछो। Second to none और nothing short of में difference क्या है सर? आपका नाम क्या है? मैं किससे बात कर रहा हूँ? What is your name? मतलब मुझे पता होना चाहिए कौन सा सर, नहीं पूछना था क्या? नहीं नहीं मंजू रावत। अच्छा मंजू, नहीं कई बार ना मुझे दिखाई उधर से नहीं देता है, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आई कांट सी एनीवन, तो अभी ठीक है, आवाज से बहुत मुश्किल से मैं पहचान पाता हूँ। ओके मंजू जी, चलो जी फाइन। क्या क्या आपने सवाल पूछा है? Second to none or nothing short of none. Nothing short of है? यही है ना? Okay. Fine. जब हम किसी को कहते हैं कि you are second to none, तो second to none का मतलब होता है कि आपसे अच्छा कोई नहीं, you know? कि बस आप ही आप okay. हो। Nothing short of का मतलब होता है कि हम कहते हैं ना ये किसी जादू से कम नहीं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं, कभी ऐसा कुछ बोलना हो तो हम कह सकते हैं इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, तुम किसी विश्व सुंदरी से कम नहीं, ये सब कहने के लिए नथिंग शॉर्ट ऑफ का इस्तेमाल होता है। ये है इन दोनों पे मेरा वीडियो, आप एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। ओके जी देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? Yes, कब बनाया? एक साल पहले, वन ईयर अगो, यहाँ पर लिखा भी होगा वन ईयर अगो। तो बहुत कम टॉपिक में छोड़ता हूँ, ऑलमोस्ट टॉपिक में बना चुका हूँ, तो देख लीजिएगा एक बार। और दूसरा क्या टॉपिक था? नथिंग शॉर्ट ऑफ, क्या पता इस पे भी शायद बनाया हो, नथिंग शॉर्ट ऑफ, शायद 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 मिला, ये क्या लिखा हुआ है? नथिंग शॉर्ट ऑफ, एक साल पहले। यस सर आई वांट टू ट्राई, आई वांट टू। चलो पहले कोमल से शुरू करते हैं। गाइस देखिए मैं 7:22 पे आया था, तो मैं 8:22 पे क्या जाऊं, 8:35 हो गया। एक कहानी सुन के जाऊंगा। एक कहानी या सर एक्सक्यूज मी सर। यस यस सर, कह रहे हैं कोमल और सागर कौन बोलेंगे सर? कैन बोली सोनी। कोमल चलो आप पहले बोलो, फिर सागरिका, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, बहुत लेट हो गया, बोलो। ओके सर, यस्टरडे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई आफ्टर दैट आई वेंट टू किचन एंड आई मेड टी एंड आई गेव टी all of my family members and I again went to and I again came to my kitchen and I started cooking my food and suddenly my mother-in-law came and she started shouting to me and suddenly my husband also came and he started beating to me and he kept on beating for 1 hour and after that I got angry and I went to my room and I called to my parents, then my parents came, then me and my parents both got angry, then finally my mother-in-law and my husband said sorry to me. Wow, superb, superb, superb. ओके अब इस इन्होंने टू कुछ एक्स्ट्रा लगाया है, जैसे स्टार्टेड बीटिंग टू मी उसमें टू नहीं आता है, स्टार्टेड शाउटिंग टू मी उसमें टू नहीं आता है, एक्स्ट्रा टू था, बाकी सब करेक्ट बोल रहे हैं।
ओके ठीक है, बहुत बढ़िया सागरिका, चलो छोटा सा जल्दी। देर वॉज अ गर्ल, हर नेम वॉज रिया, ही वॉज एट होम, सी वॉज स्लीपिंग हर बेडरूम, इट वॉज कोल्ड एंड रेनिंग, a thief came into Ria's house, she wanted to steal Ria's necklace, the thief went to the kitchen, first he felt hungry, he decided to eat something, then she started make some food, making for himself, he made some noise, so Ria woke up, then she was scared, she took her phone and called the police, and she went towards the kitchen and saw the thief was having food. Superb Fine guys. Is it correct? Yeah, it's correct. आपने जो भी बोला correct है, record भी हो गया है, ठीक है? चलिए guys, audio off कर लीजिए एक बार please, मैं class over कर दूँ। Guys देखिए, आज हमने क्या किया? सिर्फ हमने सेकेंड फॉर्म को समझा, हालांकि आप सारे लोग पहले से जानते हैं मुझे पता है, तब भी हमने डिटेल में इसको समझा है। कल हम क्या करेंगे, सबसे पहले कल हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव, कल हम इसमें सवाल जवाब पूछना ये करके ना पास्ट इंडेफिनिट को कल हम फिनिश करेंगे। अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब पास्ट इंडेफिनिट में मैं आपको स्टोरीज बुलवाऊंगा और सवाल जवाब करवाऊंगा, प्रैक्टिस आपकी चालू करा दूंगा और फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। हमारा पूरा पास्ट टेंस का पैकेज देखते हैं कितने दिन में खत्म होगा, जैसे ही खत्म होगा आपकी स्टोरी टेलिंग चालू हो जाएगी, तो कल से आपको काफी फोकस्ड रहना है। अगर कल हम आधे घंटे में ये डिडविड खत्म कर लेते हैं तो आधे घंटे आप हम प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग का, जैसे मैं दो लोगों को बुलाऊंगा उनको सवाल जवाब कराऊंगा, ये हम कल करते हैं गाइस, ठीक है? सो सी यू टुमारो एवरीवन। सर वीडियो डाल दीजिएगा। हाँ अभी कोशिश करता हूँ। चलिए थैंक यू गाइस, मुझे काफी लेट हो गया है, चलिए थैंक यू, पीडीएफ भी सर, चलिए टेक केयर, बाय बाय गाइस, थैंक यू, ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट, टाटा सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।